शहनाज कौर गिल जो सभी का दिल जीतती हैं, वो आज बिग बॉस में आई और उन्होंने रूबीना गैंग को फुल इग्नोर कर दिया। इग्नोर मतलब 360 डिग्री टू इग्नोर। पवित्रा और एजाज की तारीफ की, निक्की को कहा तुम अच्छा खेल रही हो, कुछ सोचो मत, खेलती जाओ, आगे तक जाओ। एजाज को दोस्त बनाया, ना रूबीना के बारे में कुछ कहा, ना जैस्मिन के, ना अभिनव के, ना कविता के, देखा तक नहीं उनकी तरफ। मैसेज क्या है? मैसेज ये कि उनका खेल पल्ले नहीं पड़ रहा, उनका खेल पसंद नहीं आ रहा, उनका खेल दिख नहीं रहा। क्या ये मतलब है? सफ़ेद हाथियों जाग जाओ। सफ़ेद हाथी का मतलब भारी भरकम पैसे लेकर तशरीफ़ लाने वाले बड़े बड़े स्टार्स। आपको जागने की ज़रूरत है, अपने खेल को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। क्या ये कलर्स का या मेकर्स का इशारा है? जो आमतौर पर स्ट्रेटजी भी होती है, लोग ऐसा कहते हैं कि एक टीम को उठाया जाता है, एक टीम को गिराया जाता है, ताकि दूसरी टीम जिसको गिराया जाए वो ज़ोरदार बाउंस बैक करने की कोशिश करे। बाउंस बैक यानी शोर, हल्ला गुल्ला, कंटेंट, कंट्रोवर्सी, बड़े आराम में रहते। ये तो अभिनव तो खुद ही बोलते, यहाँ से कैमरा ही हट जाएगा, आप लोग रेड जोन में कुछ करोगे ही नहीं तो कैमरा ही हट जाएगा। तो ऐसे में क्या मैं मानूँ कैमरे का लेंस वहाँ से डिफोकस हो रहा है? लोगों को इनका खेल दिख नहीं रहा, लोगों को इनके एफर्ट्स दिख नहीं रहे, क्योंकि ये कर ही नहीं रहे। जैस्मिन ने एक मुद्दा बनाया जो बेतुका लगा। जैस्मिन के मुद्दे की वजह से रूबीना जो है वो पीछे हट गई, मगर वहाँ रूबीना भी दबती हुई नजर आई। रूबीना ने एक हिंसा का मुद्दा उठाया जिसका बात का बतंगड़ बन गया, और अभिनव को तो कोई सीरियसली लेता ही नहीं। कविता कौशिक ने अपना मजाक बना दिया। तो ऐसे में पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो इग्नोर्ड हो रहा है। शहनाज सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो घर के अंदर आई और उन्होंने इन सब को इग्नोर किया, और जान, निकी, राहुल, पवित्रा, एजाज, इनकी पूरी टीम को जो है सराहा। हालांकि सोशल मीडिया पर इस बात का बवाल मच रहा है, लोग कह रहे हैं कि रियल कपल जो हैं रूबीना और अभिनव, उनको ना बुला करके फेक कपल जो नकली दिख रहे हैं पवित्रा और एजाज, उनको बुलाया। बाय द वे, हस्बैंड और वाइफ के रोमांटिक डेट को बिग बॉस के घर में कौन देखना चाहेगा? डिफिकल्ट है। या तो फिर उनमें ऐसा कोई बड़ा झगड़ा हो, या कोई ऐसा शो में ऐसा कोई कंटेंट क्रिएट हो। यहाँ पे बाहर के लिव इन रिलेशनशिप वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आएंगे, उनकी डेट नहीं देखना पसंद करेंगे लोग। इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर जो प्यार पनपेगा, प्यार के फूल जो बिग बॉस की बगिया में खिलेंगे, उन्हीं पर तवज्जो दी जाती है। वैसे रूबीना एंड गैंग पर शहनाज ने इग्नोर मारा, क्या सभी लोग उन पर इग्नोर मार रहे हैं? और क्या उनका खेल उसी लायक नहीं? क्या उनको अपने खेल को ज़ोरदार करने की ज़रूरत नहीं? क्या कहना चाहेंगे आप? ज़रूर बताएं। बने रहें मेरे साथ लगातार।